जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको वैशाख मास महत्तम के 15वें अध्याय की कथा का श्रवण करा रहे हैं। महात्मा नारद के ऐसा कहने पर राजा यम ने कुछ दीनता के स्वर में कहा, नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो यह राजा राज्य करता है वह प्राण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर रखा है, स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर यह सब समाचार उनसे निवेदन करके तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज तथा सब लोकों के पितामह हैं, और समस्त लोकपाल, दिग्पाल तथा देवता उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उनका धन लेकर भोगता है, वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोग बस स्वामी के धन का उपभोग करता है, वह 300 कल्पों तक तिरगय योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में ही बैठा रहता है, वह बिलाप होता है। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूं। मैं अब तक मुनियों और धर्म शास्त्रों के कथानुसार पुण्यात्माओं को पुण्य के फल से और पापात्माओं को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मासोक्त पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और पितामह आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता है जैसी वैशाख मास में मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्यों को प्राप्त हो रही है। वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, मास महात्मा की कथा का श्रवण तथा भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्मों का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि पुण्यों का समुदाय वहां पहुंच रहा है, तो भी वह भरता नहीं है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला है जान पड़ता है, वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधर्म पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है, किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में अगत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराणों में और किसी का नहीं सुना गया है। भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता रहा हो।
इति श्री वैशाख मास महात्म 15वां अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।